मैं जिस मशीन के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो है बहुत ही ठंडा होता है और अगर आपकी स्किन में लगा तो हेलो फ्रेंड्स नमस्ते, मैं फायरमैन संजय कुमार दास आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 ही स्वागत करता हूँ। मैं आज आप सभी को एक ऐसा मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप कोई भी आग को आसानी से बुझा सकते हो और एक बड़ा हादसा होने से उसको आप रोक सकते हो। जैसे कि आप मान लो घर में खाना बना रहे हो, अचानक आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गया, तो वो वाला मशीन यूज़ करके वो आग को आप आसानी से बुझा सकते हो। और कभी कभार तेल में आग लग गया तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। और हम सब की घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, इन्वर्टर, अगर इन चीज़ों पे भी आग लग जाए तो वो वाला मशीन यूज़ करके आप वो आग को आसानी से बुझा सकते हो। कभी कभार आप लोग गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, अचानक उसमें आग लग गया, अगर वो वाला मशीन आपके पास है उस मशीन को यूज़ करके वो आग को आसानी से बुझा सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। कहीं आप लोग अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो और आप लोग कहीं होटल या लॉज में ठहरे हुए हो, अचानक वहाँ पे आग लग गया, अगर वहाँ पे वो मशीन है तो उस मशीन को यूज़ करके आप वहाँ पे जो आग लग रहा है उसको अगर आपको प्राइमरी स्टेज में दिखा तो उस आग को आप कंट्रोल कर सकते हो और अपने साथ अपनी फैमिली को भी बचा सकते हो। मैं जिस मशीन के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे आप कोई भी आग को प्राइमरी स्टेज में आप रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर सभी जगहों पे है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल बिल्डिंग, बैंक्वेट हॉल, सेलिब्रेशन हॉल, बड़े बड़े इमारत, हाई राइज बिल्डिंग, सिनेमा हॉल, पूजा का पंडाल, रेस्टोरेंट, इन सभी जगहों पे ऐसा एक्सटिंग्विशर आप सभी को दिखाई देगा मतलब होगा ही होगा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट के अनुसार ये वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि आग कहीं पे भी लग सकता है और जब भी जहाँ पे भी आग लगेगा तो किसी को बता के नहीं लगेगा, तो इसीलिए जहाँ पे लोगों के समागम होते हैं वहाँ पे होगा ही होगा ऐसा एक्सटिंग्विशर। तो चलिए मान लिया ऐसी सभी जगहों पे ऐसा एक्सटिंग्विशर है और कहीं पे आग भी लग गया है, ठीक है, लेकिन अगर उस समय वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को अगर इसको इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं आता तो ये होना और ना होना एक ही बात है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं आप सभी को दिखाऊंगा। इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल आसान है, एक बार सीख लोगे तो आप लोग कभी भूलोगे भी नहीं, और इसीलिए ऐसा वीडियोस आप देखते रहना। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर आपको सबसे पहले दीवारों में ऐसे लटकता हुआ मिलेगा, कोई भी आप जगह पे देखो, हॉस्पिटल में जाओ, शॉपिंग मॉल पे जाओ, स्कूलों में जाओ, कहीं पे भी ऐसा मतलब दीवार में ऐसा लटकता रहता है। आप अगर कहीं पे आग लग रहा है उसको उठा के लाओ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कोई भी एक्सटिंग्विशर से यूज़ करने से पहले एक सेफ्टी पिन होगा ही होगा, दुनिया का हर एक्सटिंग्विशर में एक सेफ्टी पिन होगा ही, वो यहाँ पे है, ये आप देखिए। सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा, ये अगर आप नहीं खोलोगे तो ये कभी ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। पहला काम है इसको खोलना, पुल डाउन पिन, इसको आप खोल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे आग लग रहा है वहाँ पास में जाइए, जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में आपको, अगर इसको कैसे खोलते हैं आपको पता नहीं है तो इसका जो ये हैंड व्हील है इसके ऊपर लिखाई हुआ है ओपन किस साइड में है। ओपन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे घड़ी का काटा राइट साइड में घूमते हैं और ये ठीक उसी के उल्टा है, ऑपोजिट में ये घूमते हैं। यहाँ पे लिखाई है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ऐसे करके घुमा दीजिए। ऐसे करके आपको घुमा देने से क्या होगा, यहाँ से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर है वो निकल के बाहर आ जाएगा, और जहाँ पे भी आग लग रहा है वहाँ उसके पास में जाइए और जाके आग के ऊपर नहीं, आग के बेस पे मारिए, मतलब आग के नीचे मारिए, जहाँ पे आग का उत्पत्ति हो रहा है आग के
नीचे में मारिए, बेस पे मारिए, तभी ये आग बुझ जाएगा। और बेसिकली ये क्या होता है, जो बंद कमरा है वहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दो छोटा है और एक बड़ा वाला है, फायर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर है। ये 2 किलो का है, ये भी 2 किलो का है और ये 5 किलो का है, लेकिन ये देखने में छोटा है लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसको हैवी माइल्ड स्टील से बनाया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 744 LBS प्रेशर में इसको कंप्रेस करके रखा गया है, तो इसीलिए ये बहुत ही भारी होता है। ये छोटा वाला लगभग आपको 5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा भारी होगा, और ये जो 5 किलो का है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस 5 किलो है, और ऑल टोटल इसका वेट है करीब 16 किलोग्राम, तो थोड़ा थोड़ा भारी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आप उठा सकते हो। और एक बात है, इसका अंदर जो मतलब आप ये जब खोलोगी आग में जब स्प्रे करोगी, तो एक बात होगा इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो एक बड़ा सा हॉर्न होगा, एक साउंड होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है, जब वो बाहर निकलता है तो बहुत तेज़ी से निकलता है और इसीलिए साउंड होता है, तो इसीलिए जब ऑपरेट करते हैं तो साउंड होगा ही होगा, इसमें आप लोग कभी डरना मत, ठीक है फ्रेंड्स, ये कभी ब्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हो, तो यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो आपकी हाथों की स्किन में लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा होता है, और अगर आपकी स्किन में लगा तो कोल्ड बर्न इफेक्ट भी हो सकता है। तो मेरी आप सभी से यही निवेदन है, एक्सटिंग्विशर आप लोग खरीद के घर पे या ऑफिस पे कहीं पे भी आप रख दीजिए, क्योंकि आग कहीं पर भी लग सकता है, इसके जरिए आप लोग आग आसानी से बुझा सकते हो और एक बड़ा हादसा होने से आप लोग रोक सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसा ही आग से रिलेटेड और एक वीडियो के साथ। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करिएगा, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।